अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। चित्राल पड़ोसी अजला में पहाड़ों पर सदियों पुराने ग्लेशियर यानी बर्फानी तोदे पड़े हैं, जो गर्मी के मौसम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अक्सर फटकर सैलाब का बायस बनता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचती है। इन इलाकों में फासले दीवारें तामीर किए गए ताकि आने वाले वक्तों में इन्हें मजीद तबाही से बचाया जा सके। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल और पड़ोसी अजला में पहाड़ों की चोटियों पर सदियों पुराने ग्लेशियर्स यानी बर्फानी तोदे ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत की वजह से गर्मियों की मौसम में पट जाते हैं। इन ग्लेशियर के पटने से इन इलाकों में ग्लोफ इवेंट यानी बगैर किसी बारिश की अचानक सैलाब आता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनते हैं। इन सैलाबों की वजह से इन इलाकों में मुकामी आबादी को बहुत नुकसान पहुँचा है। अक्सर ऐसे लोग भी बेघर हो गए जिनका सर छुपाने का कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत मुहकमा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने जिला लोयर और अपर चित्राल के अलावा पड़ोसी अजला दीरबाला और स्वाद में भी इन मुतासर इलाकों में बहालकारी के काम किए। ग्लोब 2 के तहत अरकारी मडगलाश रेशन मटलतान उतरोड महला किला कमरखोरा तल वगैरह में आबादी को सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवारें कम्युनिटी सेंटर और अपाशे की नदियाँ तामीर की गई है ताकि इन मुतासर लोगों को रिलीफ मिल सके। इलाके के लोग इन बहालकारी के कामों पर बहुत खुश हैं, जिससे उनके नुकसान का किसी हद तक तलाफी हुई है। सभ्यवन का असल में मकसद ये है कि जब सैलाब आ जाए और यहाँ पे जो घर है वो नीचे दरिया के नज़दीक है, तो वहाँ से ये सभ्यवन इसलिए बनाया गया है, थोड़ा ऊंचाई पे है, कि जब सैलाब आ जाए तो फौरी यहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जाए। सबसे पहले हमारा दरख्वास्त ये है कि जो फ्लड आ चुके हैं उस फ्लड में हमारे इस एरिया में अरबों रुपये का नुकसान हो गया है। हमारी यही मुतालबा है कि जो हमें रिलीफ है तो उस रिलीफ को पूरा दिया जाए ताकि हम अपने घर को दोबारा बसा सकें। इन लोगों को यहाँ यही खतरा थे कि यहाँ पहले ये ग्लेशियर जो थे ये कई पुराने ज़माने से ये अपनी हालत में मौजूद थे, लेकिन अभी मौसमी चेंजिंग की वजह से ये दिन ब दिन जो है ना ये पिघल जाते हैं, तो इस वजह से हर साल फ्लड आने का ख़तरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो उनको एक घंटी बजाएगा वार्निंग पोस्ट और उस घंटी से उनको पता चलेगा और वो जो है ना बर वक्त जो है ना इकदाम करके अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए महफूज मकाम पे मुंतकिल होंगे। इन मुतासर इलाकों के लोगों का कहना है कि ग्लोफ इवेंट की वजह से बगैर किसी पेश की इतला और बारिश के अचानक सैलाब आता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनता है। इन पहाड़ी और सियाहती इलाकों में रहने वाले लोगों को सैलाब की पेश की इतला देने के लिए ग्लोफ 2 के तहत मुख्तलिफ मकाम पर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मुहकमा मौसमियात के इश्तराक से लगाए गए ताकि सैलाब की सूरत में लोग बर वक्त अपनी जान और माल को सैलाब की तबाहकारी से बचा सके। UNDP इदारे ने जो हमारे लिए ये वटा बनाया है, इसका हमें और हमारे इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम इदारे वालों की और जिन लोगों ने खिदमत की है मखलूक खुदा की सबके लिए दुआगू हैं। प्रोटेक्शन वाल की मदद से बात यह है कि जो आबादी आपकी नज़र आ रहा है ये सारे इस प्रोटेक्शन वाल गिबिन वाल से इसको फ़ायदा है, क्योंकि सैलाब इसको सैलाब की ज़िद में नहीं आ सकता है। सैलाब से पहले यहाँ पे ये वटा भी नहीं लगा था, जब सैलाब आए थे बहुत लोग खतरे में थे, हमको रात को नींद नहीं आती थी, हमारे लोग चले गए पंजाब में और अभी ये वटा लगा, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ख़तरा कम हुआ है और हमारे लोग कुछ लोग इधर ही रहते हैं और ज़्यादातर लोग पंजाब में चले गए, रास्ता भी ठीक नहीं, इसकी वजह से बहुत मुश्किल पे। $36 मिलियन की लागत से तामीर होने वाले इन हिफाजती दीवारों वगैरह से उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्तों में ये लोग काफ़ी हद तक नुकसान से बच सकेंगे और नकल मकानी करने पर मजबूर नहीं होंगे। इन हिफाजती दीवारों के तामीर के बाद ये खूबसूरत इलाके आने वाले वक्तों में सैलाब की मजीद तबाही से बच सकेंगे। अहमदाज़ा गुलमत फारूकी, FCN न्यूज़, चित्राल।